बैक्टीरिया योशापस्मा रोग ठीक करने के लिए अन्य कुछ में घरेलू नुस्खा बोल रहा हूँ, इससे भी हम हिस्टिया रोग ठीक कर सकते हैं। हम खुरासानी वच, जिसको हम श्वेत वचो व मीठी वचो भी बोला जाता है, इसका 10 ग्राम लेकर खूब बारीक चून कर लेंगे, पीस लेंगे और 3 बार कपड़े से छान के रख देंगे और इससे औषध तैयार हो जाता है प्रतिदिन। और यदि हम 2 से 4 ग्रेन अर्थात 8 चावल से 16 चावल बराबर मात्रा का इसे लेके शुद्ध देसी गाय का घी या मक्खन अथवा मलाई का साथ यदि चटा लेते हैं और बाद में दूध का खीर पिला देते हैं और दुग्ध आहार ज़्यादा लेते हैं दिन में 2-3 घंटे बाद 4 बार दवा का प्रयोग कराते हैं, 3-4 दिन सेवन करने से भी हिस्टिया रोग दूर हो जाएगा। और अद्भुत हिस्टिया नाशक अनुपम योग है, इसे व्यवहार कर लेंगे। एता है बच्चों, इसे इंग्लिश में स्वीट फ्लाई भी बोला जाता है। ये जनरली पहाड़ी इलाका में और अलग अलग स्थान में भी 2000 से समतल से 2000 से 2600 फुट एरिया में बच्चों होता है। बच्चों का भी अलग अलग प्रजातियां हैं, परंतु जो सफ़ेद श्वेत बच्चे है जिसको खुरासानी बच्चों मीठी बच्चों बोला जाता है, यही औषध में प्रयोग किया जाता है। पंसारी दुकान से व पतंजलि आयुर्वेद दुकान से हम इसे भी संग्रह कर सकते हैं। तो हिस्टीरिया रोगी को यदि हम प्रतिदिन केसर खिलाते हैं, इससे भी रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। गर्भाशय में आई सूजन और दर्द भी केसर से नियमित प्रयोग से दूर होते हैं, परंतु जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको ज़्यादा केसर नहीं देंगे और केसर से ज़्यादा खाने से गर्भपात होता है। केसर पतंजलि का जो चिकित्सालय है और वहाँ मिल जाएगा बा दूसरे जो आयुर्वेदिक दुकान से भी हम संग्रह कर सकते हैं। हिस्टीरिया रोग ठीक करने के लिए हम नहीं तो नई इमली 2 तोला अर्थात लगभग 23 से 25 ग्राम लेंगे, 250 ग्राम पानी में डाल के घोल के छान लेंगे। इसमें 1 तोला लगभग 11.5-12 ग्राम खांड खांड जो बुरा जैसे मीठा होता है खांड, इसको लेंगे। 2 ओना अर्थात लगभग 1 से 1.5 ग्राम जो शंखभूष में भस्म है वो पंसारी दुकान में नहीं तो पतंजलि व आयुर्वेद दुकान में मिल जाएगा। शंखभस्म लगभग 1 से 1.5 ग्राम तीनों को मिला के यदि सुबह और शाम लेते हैं 40 दिन तक स्त्रियों का हिस्टिया रोग ठीक हो जाता है। अचेत होने पर हम रीठा फल अर्थात रीठा जो पेड़ का छिलका है उसको चूर्ण व इसका बीज का यदि हम नस्य लेते हैं, इससे भी तुरंत चेता आ जाती है। ये होता है इमली और इनको नई जो इमली होगा ले लेंगे। इसे अलग अलग नाम भी उड़िया में तेंतुली और इंग्लिश में टेमेरिट ट्री भी बोला जाता है और इसे अलग अलग नाम भी बोला जाता है। होता है इमली।
योताई इरिठा इसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉफ्ट नट ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, अलग अलग नाम भी अलग अलग जगह में बोला जाता है। इसका छिलका का चूर या बीज का चूर नष्ट लेने से जो बेहोशी हो जाता है तुरंत चेता अथवा होश आ जाती है।